निश्चित रूप से आज का दिन आदरणीय कल्पना सिंह जी को याद करने का दिन है। इस पुस्तक पर बात होगी तो उन पर बात होगी। इस पुस्तक का जो आवरण पृष्ठ है आप सब देख रहे होंगे, इसमें कल्पना सिंह जी के विविध चित्र का कोलाज बना के भाई नवीन शुक्ल जी ने इसे संयोजित किया और ये चित्र उपलब्ध कराए भाई सर्वेश सिंह जी। कुछ चित्र तो इसमें ऐसे थे क्योंकि आदरणीय कल्पना सिंह जी ने कभी इस दृष्टिकोण से तो चित्र खिंचवाए नहीं होंगे कि उनको कभी पुस्तक का कवर पृष्ठ भी बनना होगा। आजकल तो डिजिटल जमाना है और बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं, कैमरे हैं जिनसे सब कुछ संरक्षित और सुरक्षित हो जाता है। इसमें कई चित्र ऐसे थे जिनकी जिसको कहना चाहिए कि छपने की स्थिति तो बहुत अच्छी हो भी नहीं सकती थी, लेकिन उसे सुरुचिपूर्ण बनाने में भाई नवीन शुक्ल जी ने तकनीकी का प्रयोग किया और भाई सर्वेश सिंह जी के प्रति भी मैं आभार देते हुए उन्हें आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आज के इस आयोजन में अपनी बात हमारे बीच रखें। भाई सर्वेश सिंह जी आप कल्पना सिंह जी के सुयोग के सुपुत्र हैं और उनके लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अनिता दुबे जी। मैं मंच पर आसीन सभी विद्युत जनों का नमन करता हूँ, विद्युत जनों का नमन करता हूँ और इस सांस्कृतिक पंडाल में उस सारस्वत कार्यक्रम में आए हुए सुधी जनों का सभी सुधी जनों को नमन करता हूँ। डॉक्टर अनिता दुबे जी की यह 50वीं कृति है, ये एक महज संयोग नहीं है। हम कहेंगे कि डॉक्टर अनिता दुबे जी की यह 50वीं कृति राष्ट्रीय पुस्तक मेले का 21वां वर्ष और साहित्य आराधन संस्था का परिकल्पना दिवस, स्थापना दिवस और उस पर सुखद संयोग वर्षा का कार्यक्रम के आरंभ होने पर आरंभ होना और विद्युत का तरंगित होना, यह सब विलक्षण संयोग ही है जो इस कार्यक्रम के दौरान हम सभी के समक्ष रहे हैं। साहित्य आराधन संस्था का स्थापना दिवस और डॉक्टर अनिता दुबे जी की 50वीं कृति, ये एक दुर्लभ ही संयोग कहेंगे कि बाबू जी की चार अंकियां मैं कहना चाहूँगा। पहले, जब भी कोई पीड़ा पर्वत हो जाती है, सांस न उसका बोझा जब धो पाती है, हिमखंडों सी आह पिघलने लगती जब निर्झरणी सी तब कविता बह जाती है। तो दर्द की पराकाष्ठा जब होती है तब शब्द अपना स्वरूप लेता है और किसी भी लेखक को एक पुस्तक लिखना, दो पुस्तक लिखना ये बहुत ही कठिन बात है और डॉक्टर अनिता दुबे जी ने जो ये 50वीं कृति लिखी है ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा साधुवाद है उनको। डॉक्टर अनिता दुबे जी ने कल्पनाशील रचनाकार कल्पना सिंह इस कृति को नाम दिया है। बाबू जी ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और संजीव जी ने जैसा कि कहा कि शायद वे स्वयं भी उन्हें बाल साहित्यकार के रूप में ही जानते रहे होंगे, लेकिन शायद जब उन्होंने उनके समग्र साहित्य को पढ़ा तब उन्होंने उनके समग्र साहित्य को सराहा और समझा। वे बाल साहित्यकार के साथ साथ ही प्रौढ़ साहित्य के भी अनेक सोपानों पर खड़े होते। डॉक्टर अनिता दुबे जी ने अपनी कृति में
9 खंडों में उनके समग्र साहित्य को सजोया सवारा। ये अकल्पनीय अतुलनीय है। कहूँ अगर संयोग ये कहूँ कि दीपक तले अंधेरा, तो शायद बाबू जी जब तक रहे मैं उनका समग्र साहित्य पढ़ ना पाया, लेकिन मैंने उनका समग्र साहित्य उनके बाद उनके जीवन काल के बाद पढ़ा और उनका बहुत सा प्रकाशित साहित्य है जो मैं सजोने का प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर इस कार्य में मेरी मदद करें और आप सभी लोगों का सहयोग भी इसमें मुझे चाहिए होगा। मैंने उनके साहित्य को जब पढ़ा और डॉक्टर अमिता दुबे जी द्वारा रचित इस पुस्तक को जब पढ़ा, तो कहीं कहीं पर उन्होंने इतनी अच्छी व्याख्या की है जो शायद मैं उस स्थान तक खुद न पहुंच पाता। और मैं बाबू जी के उन तथ्यों को, उन रचनाओं को डॉक्टर अमिता दुबे जी की इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे खुद पढ़ना पड़ा, दोबारा पढ़ना पड़ा कि डॉक्टर अमिता दुबे जी उस स्थान पर भी पहुंची जहां शायद मैं अपनी रचनाशीलता से, अपनी कल्पनाशीलता से उस स्थान तक ना पहुंच पाया। मैं इसमें प्रश्न पर अंकित जो है वो रचना पढ़ना चाहूंगा। एक शाम पनघट पर गीत का जो है बोध बोधन इसमें किया गया है। एक शाम पनघट पर का भाव बोध अत्यंत सुंदर है। श्री कृष्ण के मनमोहक रूप पर कवि मोहित होता है और नायिका के माध्यम से मनमोहक करता है। कविता की पंक्तियां हैं, मतवाले मोहन मत छेड़ना, शर्मीले घूंघट मत खोलना, राधा के गांव आज जादू की मार है, एक हाथ जीतो और एक हाथ हार। होली की तरंग में नायिका नायक श्री कृष्ण को बांसुरी न बजाने और पनघट की छाव में न आने का संकेत देती, क्योंकि एक हाथ में रंग है और एक हाथ में गुलाल होने के कारण नायक का रंग में सराबोर होना निश्चित है। नायिका सखियों के साथ होली खेल रही है, इसका सुंदर वर्णन कल्पनाथ जी करते हैं। खेल रही सखिया हम होली में, लहराता रंग आज होली में, चलते पिचकारी के लचकीले बाण में, एक हाथ तीर एक हाथ कमान। ये तीर कमान नेह के हैं जिस पर कामदेव का प्रभाव है। नायक का प्रेम में बिन जाना अनिवार्य ही है। गीत का अंत करते हुए कवि कहता है, मोती के फूल खिले घेसू में, आंचल की लाज रंगी फेसू में, अंग रंग हार गया धूपल के दांव में, एक शाम पनघट पर एक शाम गांव में। तो मैंने जब ये रचना बाबू जी की पढ़ी थी तो मैं शायद इस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था जहां पर आदरणीय डॉक्टर अमिता दुबे जी पढ़ी। और ऐसे बहुत से पड़ाव आए, ऐसे बहुत से स्टेप आए जहां पर हमको बाबू जी की रचनाओं को फिर से पढ़ना पड़ा कि जहां पर कितनी अच्छी समीक्षा लिखी डॉक्टर अमिता दुबे जी ने कि मैं उस कल्पना पर, उस परिकल्पना पर, उस सोपान पर शायद पहुँच ना पाया। जैसे गुरु जी ने जैसा कि कहा कि बाराबंकी की धरती निसंदेह